हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें प्रिपेयर करना है लियोफिलिक सॉल्ट या फिर लियोफोबिक सॉल्ट। अच्छा, लियोफिलिक और लियोफोबिक सॉल्ट के और में कुछ बच्चों को यहाँ पे डबल सॉल्ट का प्रिपरेशन दिया जाएगा, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है मोर सॉल्ट या फिर पोटाश एलम। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है एग एल्ब्यूमिन सॉल्ट का प्रिपरेशन, वो अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको, आपके पास दो बीकर होंगे, ठीक है, अवेलेबल। एक 250 ml का बीकर होगा और एक 100 ml का बीकर होगा। अभी मेरे पास जो बीकर अवेलेबल है मैंने ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एग एल्ब्यूमिन सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट बीकर के अंदर लेना है 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अच्छे से सब सुन लो, जब फाइनल प्रैक्टिकल करोगे तब टैब वाटर यूज नहीं करना है। क्या लेना है? 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है। अच्छा, डिस्टिल वाटर ऑलरेडी आपको बोला जाएगा लैब के अंदर कि कहां पे रखा है। तो डिस्टिल वाटर आप सबसे पहले ले लोगे एक बीकर के अंदर 100 ml। उसके अंदर आपको ऐड करना है 5 ग्राम ऑफ NaCl। अगेन, एक बीकर के अंदर हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर ऐड करेंगे 5 ग्राम ऑफ NaCl। फिर अच्छे से उसको 5 मिनट तक इसको आप स्टर करोगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल करवाया लैब के अंदर तो मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे जब मुझे शो कर रहे हैं सॉल्ट प्रिपेयर होने के बाद, उनका सॉल्ट जो प्रिपेयर हुआ वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। अब वो सस्पेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका NaCl पहले डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो NaCl सबसे पहले अच्छे से डिसॉल्व करना है। आप जब NaCl डिसॉल्व करो उसके बाद देखो कुछ क्रिस्टल यहाँ पे बीच में है ना सस्पेंड हो जाएंगे। अगर सस्पेंड हो गए तो आपको तब एग नहीं डालना है। क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, अगेन मैं रिपीट करता हूं, 100 ml पानी लेने के बाद 5 ग्राम ऑफ NaCl अंदर ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू स्टर करना है। और बीच में अगर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है बीच में NaCl सस्पेंड हो गए, आप उसको अच्छे से टैप करके डिसॉल्व करो पहले। तो 5 मिनट तक थोड़ा वेट करो और डिसॉल्व करो। डिसॉल्व हो गया उसके बाद दूसरे बीकर में एग सबसे पहले हमें ब्रेक करके इसके अंदर एग एल्ब्यूमिन ट्रांसफर करना है। अच्छा, ये ट्रांसफर करते हुए कितना याद रखें कि जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो अलग रहना चाहिए। जब आप एग को ब्रेक कर रहे हो दूसरे बीकर के अंदर तो एग योक और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स हो गया फिर आप उसको पाइपेट से शक करोगे तो फिर वो जब आप NaCl वाले बीकर में डालोगे तो सस्पेंशन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको यहां पर ट्रांसपेरेंट पार्ट और एग योक दोनों को अलग रखना है। अच्छा, फिर उसको हमें पाइपेट से 10 ml एग एल्ब्यूमिन में येलोइश पार्ट नहीं, उसके अलावा जो पार्ट है उसको आपको 10 ml पाइपेट से लेना है और फर्स्ट वाले बीकर में ट्रांसफर करना है और 2 मिनट तक स्टर करना है। ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अच्छा, जब 5 ग्राम NaCl ऐड करो तो याद रखना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वेट मशीन होगा, वेट मशीन पे ही 5 ग्राम ऐड करके फिर हमें NaCl डालना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वन बाय वन स्टेप आपको शो कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे फर्स्ट बीकर के अंदर ऑलरेडी 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है और 5 ग्राम NaCl मैंने वेट कर दिया है। अब NaCl को हम ऐड करेंगे 100 ml वाटर जिस बीकर के अंदर है उसके अंदर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, सॉल्ट को। और जैसे मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि ग्लास रॉड से आपको इसको अच्छे से स्टर करना है, तब तक आप स्टर करोगे जब तक पूरा NaCl जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए। अब जब आप डिसॉल्व करोगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि NaCl है वो 30 सेकेंड या 1 मिनट में डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है और अच्छे से स्टरिंग करना है। इंडस्ट्री के अंदर जनरली क्या होता है या फिर ग्रेजुएशन लैब के अंदर क्या होता है कि स्टरिंग मशीन होता है, छोटा सा इलेक्ट्रिक मशीन होता है जिससे उसको स्टरर बोलते हैं। तो आपको कंटिन्यू 5-10 मिनट के लिए स्टर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्टरिंग मशीन के अंदर ऐसे रॉड फिट होता है तो आप स्विच ऑन करते हो तो अपने आप स्टर हो जाता है, अच्छे से मिसेबल हो जाता है लिक्विड और फिर आप जल्दी से प्रैक्टिकल आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ी देर तक स्टर करें या फिर उसको 5 मिनट तक, जब तक आप एग को पॉर कर रहे हो दूसरे बीकर में तब तक आप वेट करें और उसके बाद फिर से स्टर करने के बाद देखें कि NaCl पूरा डिसॉल्व हुआ है कि नहीं,
और उसके बाद फिर आपको एग अंदर ऐड करना है। चलिए दोस्तों, अब एग को हमें ब्रेक करना है और एग को ब्रेक करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया कि हम इसको 10 ml पाइपेट से शक करके हम अंदर ऐड करेंगे NaCl जो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इसके अंदर। एग को पहले आप ब्रेक कर दें, अगर आप घर पे एग खाते हो, आप ऑमलेट बनाते हो तो आपको तो अच्छे से पता ही होगा, तो मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंस के मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अच्छे से इसको टैप करें, ये जो इसका शेल है पहले ब्रेक करें और फिर। अब ये दोस्तों जो एग जो आपने यहाँ पे पॉर कर दिया है बीकर के अंदर, उसमें से येलो पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे पाइपेट से रीडिंग नहीं लेना, उससे ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है वो लेना है आपको, और थोड़ा आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि विस्कस सॉल्यूशन है इसलिए। तो 10 ml इसमें से हम शक कर लेते हैं। यस, ये 10 ml जो है ये पाइपेट से हमने रीडिंग ले लिया है और इसको ऐड करना है फर्स्ट बीकर जो था जिसके अंदर आपने प्रिपेयर किया था 5% NaCl। ये मैंने 10 ml पाइपेट से एग एल्ब्यूमिन शक करके अंदर डाल दिया है 5% NaCl सॉल्यूशन के अंदर, और ये आपका सॉल्व प्रिपेयर हो चुका है। 1 मिनट तक आपको स्टर करना है और आपको जो सुपरवाइजर है उनको शो करना है, तो ये आपका सॉल्व प्रिपेयर हो गया है। ये जो सॉल है इसमें आप कंफर्म कर सकते हो ये सही है या गलत है बाय कंफर्मिंग के येलोइश पार्ट बिल्कुल यहां पे नहीं दिख रहा फर्स्ट, सेकंड वो सस्पेंड नहीं हो रहा और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, वो तो नहीं होगा ना क्योंकि आपने विस्कस सॉल्यूशन में डाला है, तो ट्रांसपेरेंट कैसे होगा। तो अगेन सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोलॉइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फर्स्ट प्रैक्टिकल हो चुका है, ये आप शो करोगे और प्रोसीजर लिखोगे, इसके आपको मिल जाएंगे 6 marks। मैं आपको अच्छे से कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ, ऐसा सॉल्व आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए ये जो है ऐसा सॉल्व आपका प्रिपेयर होना चाहिए।